नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान दल। पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। पांच में से तीन राज्यों में, जो तीन महत्वपूर्ण राज्य हैं लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, उन पांच तीन राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत में कई हिस्सेदार हैं, जैसा कि इस जीत में समझा जाए, इस चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में अगर हम बात करते हैं, खासकर उसमें तेलंगाना को भी शामिल करते हैं, हर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में यह चुनाव किसानों के मुद्दे पर लड़ा गया था। बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ी प्रमुखता के साथ किसान मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वायदे किए। इन जो चुनाव में जो वायदे हुए, उन वायदों की अगर तासीर को समझने की कोशिश करें, तो देश के किसी भी चुनाव में किसानों के लिए इस तरह के वायदे बेहद ही कम हुए, और जिस तरह के चुनाव में वायदे हुए हैं, वो आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर को भी पेश करते हैं। इस चुनाव में जो सबसे बड़ी वायदे की बात हुई, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या जिसको समझने की बात है, जिस तरीके से बीजेपी को इन चुनाव में जीत मिली है, तो उसके बाद जैसे सवाल निकल कर आता है, उसमें यही सवाल है कि क्या MSP पर बोनस किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगा। और साथ ही साथ उससे बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या MSP पर बोनस का मॉडल जो है, वो MSP गारंटी कानून की मांग पर भारी पड़ेगा। मैं ये दोनों ही बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि MSP पर बोनस से किसानों की आय पड़ेगी, और दूसरी बात MSP पर जो गारंटी का जो मॉडल है, MSP पर जो बोनस का जो मॉडल है, वो आखिरकार MSP गारंटी कानून की क्यों मांग पर पड़ेगा। मैं सबसे पहले MSP पर बोनस, MSP गारंटी कानून की मांग पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है, या दोनों के बीच जो आगामी भविष्य में जो जैसे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों पैरलरी खड़े होंगे, आपस में राजनीतिक संग्राम करते हुए दिखाई देंगे, उसकी तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। हमने देखा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश में आंदोलन हुआ, तकरीबन 12 महीने तक वो आंदोलन चला, 13 महीने वो आंदोलन चला, 2020 से 21 तक हम सब ने देखा। उसके बाद किस तरह का सिनेरियो पैदा हुआ, दिल्ली के दोनों बॉर्डर पर, सिंगू तीन बॉर्डर पर, दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान नेता थे, सिंगू बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, इधर बहादुरगढ़ के पास वाले बॉर्डर पर किसान जुटे हुए थे, अलग अलग मोर्चों पर किसानों ने मोर्चाबंदी की थी, दिल्ली को घेर दिया था। ये तीन कृषि कानूनों के खिलाफ, मोदी सरकार जो तीन कृषि कानून लेकर आए थे, उसके खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद एक नई चीज निकल कर आई, MSP गारंटी कानून की मांग, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ ये माना कि कहीं ना कहीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो कोशिशें हुई थी उसको उन्होंने डिनाई करते हुए उसको वापस लिया। लेकिन इन तीन कृषि कानूनों के बाद जो सबसे बड़ी मांग निकल कर आई, वो MSP गारंटी कानून की मांग। ये जो मांग है MSP गारंटी कानून की मांग, इसमें किसान नेता ये कह रहे हैं कि MSP गारंटी कानून को बना दिया जाए, जिसके तहत किसानों की जो फसलें MSP से कम दाम पे खरीदी जाती हैं, वो MSP पर एक निर्धारित हो जाए। MSP से अगर कम में उसकी खरीदी होती है बाजार में या कहीं पर भी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ऐसा समझा जा रहा है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एक लंबा प्रोसेस है, इसके पीछे कई तरह की चुनौतियां बताई जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड WTO के साथ एक समझौता है, जिसमें हम किसानों को किसी भी तरह गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो दूसरी तरफ MSP जो राज्यों का विषय है, अशोक गहलोत ने भी चुनाव से ठीक पहले MSP गारंटी कानून बनाने की मांग की थी। ये अलग विषय, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप अलग ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से MSP गारंटी कानून की मांग तीन कृषि कानून के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के पास से जारी है, किसान देश के कई किसान संगठन, जिसमें SKM संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में फिर से मोर्चाबंदी कर रहा है, देश में एक बड़ा किसान आंदोलन की रूपरेखा रणनीति MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है लोकसभा चुनाव से पहले। SKM ने इस तरह की रूपरेखा बनी है कि MSP गारंटी कानून को लेकर एक इस तरह का आंदोलन हो। लेकिन इस बीच ये जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने MSP पर बोनस देने की बात की है, और जनता ने बीजेपी पर उस तरह का भरोसा जताया है, जनता जिस तरह से बीजेपी को जीत कर आई है, तो इस तरह की चीजें सामने निकल कर आई है। क्या MSP पर बोनस का मॉडल, क्या MSP गारंटी कानून पर भारी पड़ेगा? मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि MSP पर बोनस का जो वादा है, वो बीजेपी ने पहली बार किया है। बीजेपी 2014 में जो सत्ता पर आई, बोनस के मॉडल को बीजेपी ने स्वीकार कर दिया था, लेकिन इस चुनाव में
उससे पहले कांग्रेस ने एमएसपी बोनस, एमएसपी पर बोनस, धान की खरीद पर एमएसपी पर बोनस छत्तीसगढ़ में शुरू था किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, साथ ही साथ किसान कर्ज माफी भी थी छत्तीसगढ़ में, वो मॉडल उन्होंने मध्य प्रदेश में भी लागू करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में किसानों ने बीजेपी के एमएसपी गारंटी और एमएसपी पर बोनस के वादे को स्वीकारा है छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो वो एक अलग तरह की तासीर पेश करता है। मैं सबसे पहले एक बार आपको वादे बता दूं कि क्या क्या वादे हुए थे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें, जिसमें एमएसपी पर बोनस देने का वादा सबसे ज्यादा किया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने। सबसे पहले कांग्रेस सरकार पहले से धान की खरीद, धान की एमएसपी पर खरीद पर बोनस दे रही थी, जिसमें 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस है। लेकिन जो मौजूदा साल में एमएसपी जो है 2183 से समझा जा सकता है कि किस तरह से कर दे। लेकिन इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एमएसपी पर बोनस 3200 रुपए टोटल 3200 रुपए धान प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात की थी जो एमएसपी पर बोनस के साथ था। साथ ही साथ ये भी तय कर दिया, वहीं बीजेपी ने 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, ये एमएसपी पर बोनस के साथ है। एमएसपी जो भी सरकार तय करेगी, अभी 2183 है, वो हर साल रिवाइज होता है हम सब जानते हैं, लेकिन 3100 रुपए उसके बाद जितनी भी राशि होगी वो तकरीबन जो है वो बोनस के तौर पर होगी। इसके साथ साथ दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक तरह का वादा किया था कि एक एकड़ से कम 20 क्विंटल, ये वादा कांग्रेस की तरफ से था, तो बीजेपी ने 21 क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी। मतलब अगर समझे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरीके से इस मॉडल पर जब आगे बढ़ रहे, तो एक किसान के खाते में जिनके पास 20 जमीन है एक एकड़, उनके खाते में कम 64,000 रुपए का फायदा उनको होता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस ने गेहूं पर 2600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात कही था, 2600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ एमएसपी पर बोनस, अभी जो गेहूं का रेट है वो उसके ऊपर जो बोनस होने की बात हर साल रिवाइज होता है। वहीं बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी प्लस बोनस के साथ खरीदने की बात कही। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी ने गेहूं जो है बोनस पर खरीदने की बात की, तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत ने इसकी काट के तौर पर एमएसपी गारंटी की बात कही। तो ये जिस तरीके से सिनेरियो पैदा हुआ, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एमएसपी पर बोनस की मांग का वादा उन्होंने किया था, लेकिन जनता ने जिस तरीके से एमएसपी पर बोनस की बात कही है और इस पर सबसे ज्यादा तड़का लगा है पीएम किसान सम्मान निधि में जो राशि बढ़ाई जाएगी राज्य सरकारों की तरफ से, इसमें मध्य प्रदेश में राज्य सरकार पहले से ही 4000 रुपए देती है, जो 4000 सालाना दिए जाते हैं 6000 रुपए के अतिरिक्त, लेकिन शिवराज सरकार ने कहा कि वो उसे 12000 करेंगे, यानी कि 6000 रुपए राज्य सरकार देगी। इसी तर्ज पर राजस्थान में भी पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार के हिस्से के साथ ही राज्य सरकार के पैनल हिस्से देने की बात हुई। इस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एमएसपी पर बोनस का एक मॉडल खड़ा किया है। ये एमएसपी पर बोनस का मॉडल जो है वो एमएसपी गारंटी कानून के साथ पैरल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से किसान संगठन मांग कर रहे हैं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं पैरल ही उसको चुनौती देता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि एमएसपी पर मॉडल से, एमएसपी पर बोनस के मॉडल से एमएसपी पर गारंटी की मांग जायज है गैर जायज है वो एक अलग बहस है, वो कितना व्यवहारिक है वो एक अलग बहस है, लेकिन एमएसपी पर बोनस देने की जो बात हुई जिससे किसानों को इसको सीधा तौर पर फायदा होगा, एक नया मॉडल निकल कर आ रहा है जो सीधे किसानों के खाते में किसानों के जेब में पैसे डालेगा। ये भाजपा के लिए ये मजबूरी भी है और भाजपा के लिए बड़ा जरूरी भी है, क्यों? एक तो भाजपा ने ये वादा किया है चुनावों में, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मजबूरी और जरूरी क्यों है मैं उसको भी आपको समझाता हूँ। जरूरी इसीलिए क्योंकि भाजपा ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कहा कि देश की 80 करोड़ आबादी को अगले 5 साल तक फ्री अनाज दिया जाएगा, फ्री अनाज की अवधारणा वो किसानों के कंधे पर पूरी होनी, और किसानों के कंधे पर वो इसी तरीके से पूरी होगी जब किसानों से एमएसपी पर खरीदा जाएगा गेहूं और चावल खरीदा जाएगा। गेहूं और चावल खरीदा जाएगा इसी स्थिति से किसानों को जब प्रोत्साहित किया जाएगा, एमएसपी पर जब बोनस दिया जाएगा, तो ही किसान उस तरीके से बढ़ेंगे। और क्योंकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तबके को, एक बड़े तबके को, देश की एक बड़ी आबादी को गेहूं और चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करना किसी भी सरकार के लिए जरूरी है। वर्ल्ड फिनोमिना में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में वो बहुत जरूरी था। ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से एमएसपी पर बोनस का मॉडल लेकर आई है, जो एमएसपी की काट के तौर पर, जिसे हम लोग संभवतः समझ सकते हैं, मैं दूसरे पहलू की तरफ आना चाहता हूं, कैसे एमएसपी पर बोनस जो है वो किसानों की आय दुगनी करने में मददगार साबित हो सकता है। उसकी एक तस्वीर मैंने पहले भी पेश की, आपने मुझे अगर विस्तार से समझा होगा सुना होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, छत्तीसगढ़ में तय कर दिया गया है कि
20 और 21 प्रति एकड़ 20 और 21 क्विंटल धान की खरीदारी होगी। तो ऐसे में एक किसान के हिस्से 6400 रुपए तक आएंगे। तो ये समझा जा सकता है कि ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्या। वही दूसरी तरफ जो एक बात आती है कि कैसे इसमें आई होगी, स्वामीनाथन आयोग जो बना था 2005-06 में, उन्होंने देश के जो मूर्धन्य कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने हरित क्रांति का जनक जिन्हें माना जाता है, उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कुछ सिफारिशें की थी। उसमें उन्होंने एमएसपी का एक फॉर्मूला सुझाया था जिसमें लागत के आधार पर 1.5 गुना लाभ देने की बात की थी। अगर हम इस मॉडल को समझें, मौजूदा वक्त पर जो एमएसपी देने का जो मॉडल है वो उस मॉडल को स्वामीनाथन जो का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के तहत नहीं स्वीकारा गया है। स्वामीनाथन C250 का जो उनका फॉर्मूला था, मौजूदा वक्त में A2 प्लस FL का फॉर्मूला है। तो अगर C2 प्लस 50 की अगर हम लोग बात करें तो अगर MSP पर बोनस मिलता है तो ये C250 से ज्यादा है या C250 के पास है। ऐसे में भाजपा ने जो मॉडल खड़ा करने की कोशिश की है, तय रेट तय कर दिए हैं जिस तरीके से, क्योंकि अब वो रेट तो डाउन होगा नहीं। अब जाहिर तौर पर उस जो रेट तय हो गया उसके ऊपर ही, क्योंकि हर साल एमएसपी पर बढ़ोतरी होती है, तो सरकारों पर कहीं ना कहीं एक दबाव रहेगा, नैतिक दबाव रहेगा। ऐसे में ये जो फॉर्मूला है या जो मॉडल है एमएसपी पर बोनस देने का, उस मॉडल के विस्तार होने की आवश्यकता, मतलब संभावना इस पर भरपूर बनी हुई है। तो ये एक बड़ी तस्वीर पेश करता है जो किसानों की आय में भी बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन ने जिस तरीके से किसानों की आय दुगनी करने के लिए एमएसपी को बहुत महत्वपूर्ण माना था, और साथ ही साथ एमएसपी का मॉडल उन्होंने एमएसपी तय करने के लिए उन्होंने C2+50 का फॉर्मूला भी सुझाया था। और जिस तरीके से एमएसपी मॉडल एमएसपी पर बोनस देने का जो मॉडल सेट हुआ है वो C250 के आसपास है, तो समझा जा सकता है कि किसानों के लिए किस तरह से मददगार होगा। हालांकि एमएसपी गारंटी कानून में मौजूदा वक्त पर 23 फसलों पर एमएसपी मिलता है, और अभी एमएसपी गारंटी कानून अगर बनता तो 23 फसलों की गारंटी खरीद की व्यवस्था होती। वो कितना व्यवहारिक है, कितना चुनौतीपूर्ण है वो सरकार समझती है, कितना व्यवहारिक होगा अगर वो हो जाएगा वो उसके बाद समझा जा सकता है। लेकिन ये उसके पीछे एक तर्क यह है कि उसके उस पर देश के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था का एक चुनौती है। और हालांकि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ जो समझौता है वो भी एक अपने आप में एक चुनौती है, कैसे उस समझौते की तक किया जाएगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में इसका तोड़ खोजा गया है, उसको हम आपके दूसरे वीडियो में हम समझा चुके हैं पहले, बाद में उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जो तस्वीर है वो यहाँ पर ये कहती है कि कैसे जो है एमएसपी पर जो बोनस का जो मॉडल है वो किसानों की आय बढ़ाएगा। हालांकि अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी बनेगी, सिर्फ गेहूं और चावल पर एमएसपी पर बोनस देने का जो वादा हुआ है, इसके इतर किसानों को दूसरी फसलों पर भी गारंटेड एमएसपी मिलेगा, इससे किसानों को फायदा होगा। हालांकि एक लंबी बहस है, लेकिन किसानों के हिस्से इस चुनाव में बहुत कुछ आया है। बेहद जरूरी कि किसान अपने अपने मुद्दों को समझें, अपने एमएसपी पर बोनस की मांग को बरकरार रखें, क्योंकि किसान जब संपन्न होंगे तो जाहिर तौर पर देश की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत बनेगी। इसी उद्देश्य के साथ किसान तक भी काम कर रहा है। हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आती है, हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है, तो हमारी हौसला अफजाई करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उसको प्रसारित करें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक छोटी से लेकर मोटी बातें पहुंचाएं जो आपके फायदे के लिए हों, इस देश की कृषि के लिए फायदे हो, उस देश के किसानों के लिए फायदेमंद हो। इसी कड़ी में ये कोशिश थी। इजाजत दीजिए, अगर आपको, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो हमें प्यार दीजिए, प्यार में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।